द क्लिनिक मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम बैथ और कैमरॉन होता है। यहाँ ये दोनों बैथ की मॉम के घर जा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि बैथ प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। बैथ ने अपने मॉम को एक नोट लिखा होता है जिसमें उसने लिखा था कि इस साल वो उसके पास क्रिसमस मनाने के लिए आ रही है, लेकिन अगले साल उसे उनके घर आना होगा। तभी उनके गाड़ी के पीछे एक अननोन ट्रक आता है और वो उन्हें ओवरटेक कर लेता है। अब इसकी वजह से कैमरॉन का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर कैमरॉन बैथ से कहता है कि अपनी मॉम को कॉल करो और उनसे कहो कि हम कल उनके घर आएंगे, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। वो उससे होटल में चलकर रुकने के लिए कहता है, पर बैथ होटल में रुकने से मना कर देती है क्योंकि उसे होटल में काफी अजीब लगता है, लेकिन कैमरॉन उसे किसी तरह मना लेता है, जिसके बाद ये पास ही के एक होटल में जाने लगते हैं। इसके बाद कैमरॉन वहाँ के रिसेप्शन पर जाता है और दो लोगों के लिए एक रूम मांगता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसकी फियांसे को घूरता है और कहता है कि वो काफी हॉट है। ये सुनकर कैमरॉन को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि वो उसके होने वाले बच्चे का भी रेंट लेगा। अब इस पर कैमरॉन हंसने लगता है और कहता है कि ये कौन सा रूल है, पर तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें रेंट नहीं देना तो तुम अगले होटल में जा सकते हो, लेकिन अगला होटल काफी दूर था इसलिए कैमरॉन वहीं पर रूम लेता है। इसके बाद बैथ और कैमरॉन स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी कैमरॉन बैथ से कहता है कि हमारा बच्चा बहुत सुंदर होगा। तभी हम वहाँ पर दो अननोन कपल को देखते हैं जो उन्हें घूरने लगते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर बैथ और कैमरॉन को काफी अजीब लगता है। तभी कुछ देर में उनकी लेटे हुए आँख लग जाती है और तभी बैथ को एक सपना आता है जिसमें वो खून से लथपथ एक बच्चे को देखती है जो कि रो रही थी। ये अजीब सपना देखकर वो उठ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इस पर कैमरॉन उसे संभालता है। इसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसे आराम से सो जाने के लिए कहता है। फिर आधी रात में कैमरॉन की आँख खुल जाती है क्योंकि उसे काफी भूख लगी हुई थी। वो वहाँ जाकर छानबीन करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला था। इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में आता है, पर तभी वो देखता कि बैथ वहाँ से गायब है। ये देखकर वो बैथ को ढूंढने लगता है, लेकिन बैथ उसे कहीं नहीं मिलती। अब ये देखकर वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करता है और उनसे अपनी फियांसे की रिपोर्ट लिखवाता है। अब कुछ देर बाद छानबीन के लिए वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, जिसके बाद ये दोनों उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। तभी वो ऑफिसर कैमरॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ की फोटो है। इस पर कैमरॉन उसे बैथ की फोटो देता है। इसके बाद वो उस फोटो को उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं पर देखा है। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है ये बड़ी हॉट है। ये सुनकर कैमरॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिसर को बताता है कि इस आदमी ने पहले भी उसकी वाइफ पर ऐसे ही कमेंट किए थे। फिर ऑफिसर उससे कहता है कि वो ऊपर छानबीन करने जा रहा है, पर तभी वो रिसेप्शनिस्ट कैमरॉन को कुछ गलत इशारा करता है जिससे वो उससे लड़ने लगता है। ये देखकर ऑफिसर अब कैमरॉन को अरेस्ट कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि अब तुम्हारी फियांसे तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। इधर बैथ को जब होश आता है तब वो खुद को बर्फ से भरे एक बाथ टब में पाती है। साथ ही उसके पेट पर कुछ स्टिचेस भी लगे हुए थे जिससे उसे पता चलता है कि उसका पेट फाड़ कर उसका बच्चा निकाल लिया गया है। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी उसे वहीं पास में ही एक कपड़ा दिखता है जिस पर कुछ रोमन नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वो उठकर उस कपड़े को पहनती है और वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे रूम हैं जिनमें बाथ टब भी है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो एक बड़े से फैक्ट्री में है जिसमें से निकलना नामुमकिन था। फिर वो बाहर जाने के लिए उस जाली के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो जमीन के अंदर से रास्ता बनाने लगती है, लेकिन वो जाली पूरे अंदर तक थी जिससे कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। तभी डिहाइड्रेट होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने तीन औरतों को देखती है और उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था, यानी कि उनसे उनका बच्चा छीन लिया गया था। इन औरतों के नाम होते हैं वेरोनिका, आईवी और एलिसन। यहाँ वेरोनिका वो एक डॉक्टर थी, इसलिए वो बैथ के पेट पर प्रेशर डालती है ताकि उसका ब्लड बाहर ना निकले। बैथ एलिसन को देखकर उससे पूछती है कि तुम सब इतनी शांत क्यों हो। इस पर वेरोनिका उससे बताती है कि अपने बच्चे को खोने की वजह से वो सदमे में है और इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रही। तभी इन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर ये सभी उसके पास जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ जमीन पर ढेर सारा खून फैला हुआ दिखता है जिससे ये सभी डर जाती हैं। तभी वो अपने सामने एक औरत को देखती हैं जिसने अपना पेट फाड़ लिया था। वो औरत मरने से पहले उनसे कहती है कि उसका बच्चा ब्लू है। ये सुनकर ये सभी काफी हैरान हो
जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उसने ब्लू क्यों कहा। इधर जब वो ऑफिसर कैमरॉन को ले जा रहा होता है तो तभी कैमरॉन उसकी गन छीन कर उस पर पॉइंट कर देता है। फिर वो उससे गाड़ी रुकवाता है और उसे बाहर ले जाता है। वो उसके हाथ में हैंडकप पहना कर उसे एक पोल से बांध देता है ताकि वो वहां से भाग ना पाए। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर उसी होटल में जाने के लिए निकल जाता है। इधर वो चारों औरतें उस औरत को बाहर ले जाती हैं और उस पर लकड़ियां रख देती हैं। वो अब भी यही सोच रही होती हैं कि आखिर उसने क्यों कहा। वेरोनिका एक डॉक्टर थी। इस पर वो अपनी एक थ्योरी देते हुए कहती है कि शायद उसके बच्चे को बर्थ डिफेक्ट था जिसकी वजह से उसकी स्किन ब्लू हो गई होगी और इसी वजह से उस औरत ने उनसे कहा कि उसका बच्चा ब्लू है। ये सुनकर बैथ उनसे कहती है कि वो अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए अब वो अपने बच्चे को ढूंढने जा रही है और जिसे भी अपना बच्चा चाहिए वो उसके साथ आए। इस पर ये चारों ही उसकी बात मान लेती हैं, जिसके बाद ये अलग अलग होने का फैसला करती हैं। तभी एलिसन और आईवी अलग अलग जगह जाती हैं और बैथ और वेरोनिका अलग जगह। तभी हम देखते हैं कि कोई सीसीटीवी के जरिए उन पर नजर रख रहा है। इधर आईवी और एलिसन को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है। ये देखकर एलिसन उसे अपने पास रख लेती है। तभी आईवी को वहाँ पर कुछ कैंडीज दिखती है। ये देखकर वो उसे निकाल कर खाने लगती है, जिससे अब वो एलिसन से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ बैथ और वेरोनिका एक कमरे में पहुंचती हैं। तभी उन्हें वहां पर कुछ फोटोज मिलती हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये सब फोटोज किसकी हैं। इधर एलिसन जब वहां अकेली होती है तो तभी उससे वहां किसी के होने का एहसास होता है, पर तभी उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो उसे दोबारा जलाने की कोशिश करती है, पर तभी एक औरत उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर जब आईवी ये सब देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वेरोनिका और बैथ वहां पर आती हैं और ये सब देखकर रोने लगती हैं। तभी उन्हें उसके पेट से एक रिंग टैग मिलता है, जिससे अब इन्हें पता चलता है कि इन सभी के पेट में अलग अलग टैग्स हैं। तभी आईवी को वहां पर एलिसन का कैमरा मिलता है, जिसमें वो एक अनजान औरत को देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर इसी औरत ने एलिसन को मारा होगा। अब इससे इन्हें पता चलता है कि वो औरत एक एक करके इन सभी को मार रही है ताकि वो उनके पेट से उस टैग को निकाल सके। इधर कैमरॉन उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उससे पूछता है कि बैथ कहाँ है। इस पर वो आदमी बताता है कि उसे हमेशा एक लेडी का कॉल आता है जो उससे प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती है, और अगर उसके होटल में कोई प्रेग्नेंट औरत आती है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है, जिसके बाद वो लोग औरतों को किडनैप करके उन्हें टाउन के बाहर लेकर जाते हैं। ये सुनकर कैमरॉन उसे छोड़ देता है और उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर बैथ वेरोनिका को बताती है कि हमें जो पहली औरत मिली थी उसे भी उस औरत ने ही मारा था। बैथ उनसे कहती है कि वो औरत अब एक एक करके हमें भी मार देगी। तभी इन्हें बच्चों के रोने की आवाज आती है। फिर जब वो सभी उस कमरे में जाती है तो वहां पर वो अपने बच्चे को देखती है, जिनके पैरों पर अलग अलग रंग के टैग लगे होते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका बच्चा कौन है। वो सभी उनकी शक्ल देख कर कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनका बच्चा कौन है। फिर वो उस केज को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनसे नहीं टूटता। बैथ कहती है कि वो औरत हमें इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि वो हमारे टैग्स निकालना चाहती है, जिससे उसे पता चल सके कि इनमें से उसका बच्चा कौन है। तभी वेरोनिका उन्हें बताती है कि उसने बाहर कुछ टूल्स देखे थे जिससे वो उसे निकाल सकती है। फिर जब वो बाहर उन टूल्स को लेने जाती है तो तभी उनके सामने खूंखार कुत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं, और तभी वो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागते हुए वेरोनिका और बैथ एक गड्ढे में गिर जाती हैं, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। वहीं आईवी वो खुद को एक कंटेनर से ढक लेती है ताकि वो कुत्ते उसे काट ना सकें। इधर कैमरॉन कार लेकर उस जगह पर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने रास्ते में स्टॉकर्स लगा रखे थे, पर कैमरॉन उसे नहीं देख पाता, जिससे उसकी कार पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। इधर रात में बैथ को फिर से उसी बच्चे का सपना आता है, जिसे देखकर वो उठ जाती है। इसके बाद वो वेरोनिका को भी उठाती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से वेरोनिका का पैर टूट गया था, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद बैथ ऊपर जाती है, फिर वो वेरोनिका को हाथ देती है और उसे ऊपर आने के लिए कहती है। फिर जब वेरोनिका ऊपर आने की कोशिश करती है तो तभी वो नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर बैथ उसे यहाँ इंतजार करने के लिए कहती है और कहती है कि वो कुछ सामान लेकर आ रही है, जिससे वो उसे निकालेगी। इधर जब वो कुत्ते वहां से चले जाते हैं, तब आईवी उस
कंटेनर से बाहर निकलती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। इस पर वो इधर उधर देखने लगती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर जब वो उस दरवाजे से बाहर जाने लगती है तो तभी वही औरत पीछे से आकर उस पर अटैक करती है, जिससे आईवी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो औरत उसका पेट फाड़कर उसका टैग निकालती है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग अब आईवी की फोटो पर कट लगा देते हैं। दूसरी तरफ बैथ सामान ढोड़ते हुए एक कैंपर वैन में पहुंचती है। तभी वो वहां पर एक लेडी की फोटो देखती है, पर तभी उसे वहां पर किसी के आने का एहसास होता है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी आईवी की लाश को लेकर आया है। फिर जब वो आदमी अंदर आता है तब बैथ वहीं छिप जाती है, पर तभी आईने से वो आदमी उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि अगर मिस सैफर्ड को पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। ये देखकर बैथ बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि वो आदमी बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये देखकर वो उसे कैंडी देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो बताता है कि उसका नाम डंकन है। फिर वो उसे उस लेडी की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि ये लेडी कौन है। इस पर वो कहता है कि वो उसकी मदर है। तभी बैथ को उसके पास कुछ चाबियां दिखती हैं। उसे लगता है कि वो उन्हीं बच्चों की केज की चाबी है। वो उससे उस चाबी को लेने आती है। ये देखकर डंकन वहां से भागने लगता है, पर बैथ उसे दौड़ाकर पकड़ लेती है और उससे वो चाबियां छीन लेती है। इसके बाद वो वेरोनिका के पास जाती है और उसे उस गड्ढे से बाहर निकालती है। वो उसे बताती है कि अब हम दोनों ही जिंदा बची हैं, क्योंकि आईवी को भी उस औरत ने मार दिया है। वेरोनिका का पैर टूटने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। ये देखकर बैथ उसे वहीं पड़ी एक पुरानी कार में बैठाती है, लेकिन तभी वो किलर लेडी उनकी तरफ एक गाड़ी छोड़ देती है जो कि उनसे टकराने वाली थी। ये देखकर बैथ तुरंत वेरोनिका को उस गाड़ी से निकालती है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। तभी वो देखती है कि वो किलर लेडी उनकी तरफ ही आ रही है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है। इसके बाद ये एक कमरे में पहुंचती हैं। यहाँ वेरोनिका अपने पेट से वो टैग निकालना चाहती थी। फिर जब वो उस टैग को निकालने की कोशिश करती है तो तभी वो किलर लेडी आकर वहाँ की लाइट ऑफ कर देती है, जिससे वेरोनिका को कुछ नहीं दिखाई देता। ये देखकर बैथ वहाँ लाइट जलाने की कोशिश करती है ताकि वेरोनिका अपना टैग निकाल सके, पर तभी वो किलर लेडी वेरोनिका के पास आती है और उसके गले में स्टैब कर देती है, जिससे वेरोनिका जख्मी हो जाती है। पर तभी बैथ वहाँ आकर उस लेडी पर अटैक कर देती है। तभी बैथ उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो लेडी एक दीवार से टकरा जाती है और एक रॉड उसके पेट से आर पार हो जाता है। फिर बैथ वेरोनिका के पास जाती है। तभी वेरोनिका उससे कहती है कि तुम वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। ये कहकर वो भी मर जाती है, जिसके बाद बैथ उसके पेट से वो टैग निकालती है। इसके बाद बैथ उस लेडी के पास जाती है जो कि रेंगते हुए बाथरूम में आ गई थी। वो लेडी उससे कहती है कि वो वादा करे कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगी और तभी वो उसे अपना टैग देगी। ये सुनकर बैथ उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। तभी वो लेडी उसे बताती है कि वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसे एक लेडी मिली थी जिसने उसे बताया था कि उन सबके पेट में एक टैग है और अगर वो उन्हें मारेगी तो वो उसे उसका बच्चा दे देगी, और सबूत के तौर पर उसने उसे ये फोटो भी दिखाई थी। ये कहकर वो लेडी भी मर जाती है, जिसके बाद बैथ उसका टैग निकालती है। इधर जो लोग उन पर नजर रख रहे थे वो उस लेडी की फोटो पर भी कट लगा देते हैं और अब बैथ ही अकेली बची थी। फिर वो अपने बच्चे को लेने के लिए उस रूम में जाती है, पर तभी वो देखती है कि अब वहाँ से सभी बच्चे गायब हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी पीछे से कोई इस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे लेकर एक जगह पर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट भी उनमें शामिल है। फिर जब बैथ की आँख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने वही कपल होते हैं जो उस होटल में उसे घूर रहे थे। वहाँ पर वो लेडी भी होती है जो बैथ के बच्चे को उन्हें बेच रही थी। फिर वो उनसे साइन करवाती है और बैथ का बच्चा उन्हें दे देती है। फिर वो उस आदमी को देती है ताकि वो बैथ को मार सके। तभी वो लेडी उसे बताती है कि हमारे क्लाइंट बच्चों को चुनकर लेते हैं, इसलिए वो पहले 5 औरतों को सिलेक्ट करते हैं और उनके बच्चे को निकलवा लेते हैं, और फिर जो औरत लास्ट तक सरवाइव करती है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और वो पहली लेडी है जो जीत पाई है। पर तभी वहां पर डंकन आ जाता है और वो अपनी गन से उस आदमी पर पॉइंट कर देता है। वो उससे बैथ को छोड़ देने के लिए कहता है, हालांकि उसकी मदर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बैथ उससे कहती है कि वो उसकी दोस्त है क्योंकि उसने उसे कैंडी दी थी। वो उससे उस आदमी को सूट करने के लिए कहती है। तभी वो आदमी डंकन को सूट करता है, पर डंकन भी उसकी तरफ सूट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी और उसकी वाइफ को बुलेट लग जाती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो लेडी बैथ के बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी बैथ भी गन उठाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो वहीं टेबल पर अपने बच्चे को देखती है, जिसे वो उठा लेती है। तभी वो लेडी वहां पर आती है और उसके हाथ में एक फाइल भी था। फिर वो उसे बताती है कि तुम भी ऐसे ही
अडॉप्ट हुई थी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे। वो उसे उनका सही नाम भी बताती है। ये देखकर बेथ हैरान हो जाती है। तभी वो लेडी उसे उस फाइल में से उनकी फोटो भी दिखाती है, जिससे अब बेथ समझ जाती है कि उसे भी उसके पेरेंट्स ने ऐसे ही अडॉप्ट किया है। तभी बेथ उसे शूट करने जाती है। ये देखकर वो लेडी उस पर अटैक कर देती है, पर तभी बेथ एक चाबी से उसका पेट फाड़ देती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि कैसा लगता है जब तुम दूसरे का पेट फाड़ती हो। और तभी वो लेडी भी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद बेथ अपने बच्चे को लेकर बाहर आती है और पुलिस को कॉल करती है। अब कुछ महीनों बाद बेथ एक ग्रेवयार्ड में जाती है। तभी वो वहां पर एक बूढ़े आदमी को देखती है जो वहां फूल रखकर जा रहा था। इसके बाद वो अपनी जेनेटिक मॉम की कब्र पर जाती है। तभी वो वहां पर ताजा फूल देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी जो आदमी यहां से गया उसने फूल इस कब्र पर रखे हैं। उसे लगता है कि शायद वही उसका असली फादर है। ये जानने के लिए वो वहां पर काम कर रहे एक आदमी से पूछती है कि उस ग्रेव पर रोज फूल रखकर कौन जाता है। इस पर वो बताता है कि जो आदमी अभी गया वही यहां फूल रखकर जाता है, जिससे अब बेथ को कंफर्म हो जाता है कि वही उसका फादर है। वो उस आदमी से पूछती है कि वो आदमी कहां रहता है। इस पर वो बताता है कि वो यहीं पास में ही रहता है। फिर वो उससे पता लेकर अपने फादर के पास जाने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।